अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग जो जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी। इसका नाम है स्पेशल ढाबा दाल। ठीक है, काफ़ी दालों की रिक्वेस्ट आ रही है और आपको साथ साथ दे रहे हैं। ये भी बिल्कुल एक अलहदा बनती है और बहुत मज़ेदार। यहाँ पे जो एक काम मैं कर चुकी हूँ, इसमें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 5 डिफरेंट किस्म की दालें। तो सबसे पहले जो दाल इस्तेमाल की मैंने वो है इसमें अरहर की दाल, ठीक है, चने की दाल, मसूर की दाल, माश की दाल और मूंग की दाल। ठीक है, ये होगी 5 दालें। सिंपली इनको मैंने ये किया था कि इन्हें मैंने धो करके रात को मैंने खुले पानी में तमाम दालों को इकट्ठे ही सोख कर दिया था। उसके बाद सुबह उठ करके इसको मैंने उस पानी को डिस्कार्ड किया, दोबारा धोकर इसे मैंने जो है प्रेशर कुकर में एक्चुअली बॉयल किया है। सबसे पहले जो है दालों की मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। जितनी भी यहाँ पे दालें, तमाम दालें मैंने 6-6 टेबल स्पून ली हैं। तो टेबल स्पून वही हैं जो मेजरमेंट के मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसलिए आपसे कहती हूँ कि कोशिश किया करें कि मेजरमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं वो आप ज़रूर खरीदें। उसमें होता है कि आपकी रेसिपी जो है बहुत अच्छी बनती है और उसकी जो मेजरमेंट होती है बिल्कुल सही होती है। आगे आपकी अपनी चॉइस पर, आप कोई भी घर का फिर चमचा इस्तेमाल करें, लेकिन टेबल स्पून मैंने इस्तेमाल किया था। तो 6 टेबल स्पून अरहर की दाल होगी, 6 टेबल स्पून चने की दाल, 6 टेबल स्पून हो गया मसूर की दाल, 6 टेबल स्पून माश की दाल और 6 टेबल स्पून मूंग की दाल। ठीक है, इन दालों को जो है मैंने 6-6 टेबल स्पून किया। और अगर आप इसको तमाम को 6-6 टेबल स्पून जब आप इन्हें मेजर करते हैं तो वो एक्चुअली बनता है 600 ग्राम। तो ये आपको बता दिया दालों के बारे में। इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाला पानी के साथ और बीच में मैंने डाला था 2 टीस्पून भरकर नमक और 1 टीस्पून भरकर हल्दी डाली थी। और उसे मैंने इतना बॉयल किया कि ये अच्छे से गल चुकी हुई है, ये देखें। ठीक है, तमाम दालें अच्छे से गल गई। कुछ कुछ इसके दाने होंगे, कुछ कुछ नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है ये इस तरह घोटी हुई होती है। तो वो आपकी अपनी चॉइस पर है। इसे मैंने प्रेशर कुकर कुक किया था बेसिकली 25 मिनट के लिए। जब प्रेशर कुकर का जो वेट होता है, जब वो मूव होता है, तो वहाँ से आपने टाइमिंग रखनी है 25 मिनट। तो मैंने 25 मिनट्स में इसको बॉयल कर लिया और ये आपके सामने दाल यहाँ पर तैयार है। नेक्स्ट जो हमने इसका मसाला बनाना है, बहुत जल्दी बनती है और बहुत मज़ेदार। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है या आप नहीं इस्तेमाल करते हैं, सादी हांडी में बनाएंगे तो यही प्रोसेस होगा। आप पानी डाल करके इसको ज़रा मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा, अबाउट 45-50 मिनट्स, 45-50 मिनट तक लग सकते हैं, क्योंकि दालें कुछ जल्दी गल जाती हैं, कुछ टाइम लेती हैं। तो उस सेंस में फिर आप इसको अच्छे से गला लेते हैं और उतना आपने इसको पकाना है जितना आप टेक्सचर जो है दाल का गाढ़ा चाहते हैं। हमारे घर में गाढ़ी चलती है, तो बाकी जो मज़ीद थोड़ी कुकिंग हुई उसमें थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, दैट्स योर चॉइस। तो ये यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इसका मसाला किस तरह बनेगा। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, कढ़ाई में आप करते हैं तेल गरम, घी में आप बना लें जिस तरह आपका दिल चाहता है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ। आधा कप जो है मेरे पास यहाँ पर तेल है, कम ज़्यादा अपनी चॉइस के मुताबिक कर सकते हैं। तेल को अब यहाँ पे गरम करते हैं और इसमें आप डालते हैं सबसे पहले ज़ीरा, 2 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। तेज़पात जो होता है, एक पत्ता चाहिए आपको, उसे आप इस तरीके से तोड़ कर डाल देते हैं बीच में। राई दाना आपको चाहिए 1 टीस्पून, मोटी इलायची 2 अदद, बादियान का फूल 2 छोटे हैं मेरे पास, 4 अदद सब्ज इलायची हैं, लौंग बीच में जाएगी 4 अदद, ठीक है। हरी मिर्चें 4 थी मेरे पास, इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया था। और बीच में आप डालते हैं हींग, 1/4 टीस्पून है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है। और साथ ही बीच में जाता है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। यहाँ पर अच्छी तरह आपने जो है हाई फ्लेम पर इन तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई करना है और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छे से फ्राई कर लिया 1 मिनट। अब आप इसमें ऐड करेंगे प्याज, 2 दरमियानी साइज की मेरे पास प्याज थी, इसे मैंने चॉप कर लिया था, ये बीच में डाल देते हैं। और यहाँ पर जो है अब आपने इसे प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर जो अच्छे से चेंज हो जाना चाहिए। तो फ्लेम फ्यूज लेकर हाई पर है, तो इसे फ्राई कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, यहाँ पर प्याज जो है इतनी आपने सुनहरी कर ली। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं पिसी हुई लाल मिर्चें, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, ये दोनों चीज़ें भर कर हैं। तो इसलिए क्योंकि दाल जो है वो कभी भी ब्लैंड अच्छी नहीं लगती। आगे आप अपने जायके के मुताबिक मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीच में आप ऐड करते हैं टमाटर, टमाटर को मैंने जो है ग्राइंड कर लिया था। तो 4 बड़े साइज के मेरे पास टमाटर थे। मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे 1/2 कप जितना पानी, मीडियम फ्लेम पर रखकर इसको यहाँ पर आप पका लें ताकि जितना भी पानी हमने ऐड किया है वो और टमाटर का पानी खुश्क हो जाए, तेल सरफेस पर आ जाए, ताकि इसका मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। कुछ बीच में जो मसाले वगैरह वो कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो ये इसको यहाँ पर अच्छे से पक जाने दें मीडियम फ्लेम पर रखकर, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो इसमें तेल सरफेस पर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारी बॉइल्ड दाल है,
तो तमाम कुछ मैं ऐड कर दाल डाल दी बीच में और अच्छी तरह इस मसाले में इसको मिक्स करते हैं। तो देख लें इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया, ठीक है। और इस स्टेज पर आप जो है दोबारा नमक चेक कर लेते हैं कि आपके जायके के मुताबिक कम है तो आप और डाल सकते हैं। मैंने इसमें जब दाल उबाली थी 2 टीस्पून डाला था तो मुझे वो कम लग रही थी, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून और डाल दिया, ठीक है। लेकिन वो अब आपकी अपनी चॉइस पर आपने कितना डाला। तो ये अच्छे से मिक्स कर लिया, अब आप इसको यहाँ पर कवर करेंगे और दम पर छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छे से ज़रा जो मसाले हैं वो दाल के साथ में भी मिक्सअप हो जाएंगे और उसके बाद इसको करेंगे हम डिश आउट। सिंपल सी दाल है, आप देख सकते हैं इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। तो ये कि इसको दम पर रख दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे दाल तैयार हो गई, फिर आप ऐड करेंगे हरा धनिया, अबाउट हैंडफुल डाल दें, बुलेट ग्रीन चिलीज यूँ ही साबुत फेंक दीजिएगा, ज़रा खूबसूरत दिखती हैं डिश आउट होते वक्त। इसे मिक्स करते हैं और फिर करते हैं इसे डिश आउट। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं सर्व। आप इसे कर सकते हैं नान, रोटी, पराठा, तंदूरी रोटी, सफ़ेद उबले हुए चावल, ठीक है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे उसको cookwithfaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। तब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।